अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जाहिद अशरफ, आई एम सी एस एस इंग्लिश टीचर। मैंने कुछ सी एस एस पी एम एस के लिए गाइडेंस के लिए बुक्स वगैरह लिखी हैं, जिसमें मेरी सबसे पहली बुक है वो टॉप 30 एस है। ये वाली बुक मैंने 2009 के अंदर लिखी थी, तो अब इसका तकरीबन 10-11 ईयर्स हो चुके हैं। इसकी मोर देन 1 लाख के करीब कॉपीज़ बिक चुकी हैं। जो दूसरी बुक है 2010 में मैंने लिखी थी, इंग्लिश प्रेसी, ये जस्ट प्रेसी को कवर करती है। इसके भी ऑलमोस्ट इतनी कॉपीज सोल्ड हो चुकी है। जो थर्ड है मेरी, अभी लेटेस्ट मैंने लिखी है, विदिन 6 मंथ इसका सेकेंड एडिशन आ चुका है। ये है टेक्निक्स फॉर इंग्लिश प्रेसी। इसमें पेपर बी आपका पूरा कवर होता है, प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन, आपका ट्रांसलेशन और जितनी भी चीज़ें आपके पेपर बी में पूछी जाती हैं। इसके अलावा मैंने बुक लिखी हुई है प्रेजेंटेशन स्किल के लिए और प्रोफेशनल राइटिंग, और जो आपके इस टाइप की जो जितनी भी चीज़ें उसके लिए मेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। इसके बाद मैंने कुछ काम इस्लामिक हिस्ट्री पे किया। इस्लामिक हिस्ट्री चूँकि बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बच्चे ऑप्ट नहीं करते, तो उसके लिए मैंने इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर सी एस एस की बुक लिखी है। और जो मेरी लास्ट बुक है वो ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपके जितने भी इस्लामिक के ऑब्जेक्टिव, स्पेशली चूँकि इस्लामिक के पेपर में इस्लामिक हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव आते हैं और इस्लामिक हिस्ट्री के। इसके बाद मॉर्निंग के अंदर मैं कोचिंग देता हूँ सी एस एस पी एम एस को। मॉर्निंग के अंदर पटियाला हाउस और लॉरेंस रोड पे होता हूँ। इवनिंग में अकबर चौक पे मैं सी एस एस की इंग्लिश ऐसे कैसे पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा जो बच्चे लाहौर से बाहर है उसके लिए ऑनलाइन क्लासेज है। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, जाहिद अशरफ। तो अगर आपने बाकी मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उसको अटेंड करना हो तो वो वहाँ पे मेरे चीज़ें पड़ी हैं। आज का जो मेन हमारा बात थी, इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो था बेसिकली पीएमएस के जो एग्ज़ाम्स है, कि पीएमएस के अंदर एक्सपेक्टेड एसेज हमारे कौन से ही हैं, बच्चे के लिए इश्यूज़ क्या होता है एसेज के लिए। सबसे पहले तो कुछ एसेज आपको बता दो जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 पीएमएस के लिए। उसमें सबसे पहले हमारा कोविड 2019 एज इट इज़ नहीं पूछेगा, उसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पूछ सकता है, या पोस्ट वर्ड क्या होगी इसके बाद, इसका कम्युनिकेशन पे क्या फ़र्क है, हेल्थ पे क्या और एजुकेशन। ऐसे नंबर टू है आपका जो है वो है करप्शन और गुड गवर्नेंस, चूँकि करप्शन और गुड गवर्नेंस रेलिवेंट है। लास्ट ईयर भी यही आया था, करप्शन इज़ द मदर ऑफ ऑल इवल्स। तो दूसरा ऐसे आपका ये है। थर्ड में आपको व्हीट एंड शुगर क्राइसिस, जो हमारे फ्लोर आटे का और ये जो चीनी का बहरान चल रहा है उसके ऊपर चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, इश्यूज और सॉल्यूशन। थर्ड के ऊपर हमारे इकोनॉमिक इश्यूज, और इकोनॉमिक में स्पेशली आपके इन्फ्लेशन, और ये हमारे इकोनॉमिक के अंदर हमारी ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है, हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो चुकी है, हमारे जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। थर्ड के ऊपर है हमारा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान कंट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इफेक्टिव क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेज़ क्या है, फ्यूचर क्या है, कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन क्या है, और पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट फिर हमारे डेमोक्रेसी, होप्स एंड हर्डल्स के नाम से एजुकेशन के हमारा अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सोशल मीडिया प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स हमारे क्या हैं। और इसके बाद जो लास्ट और इम्पोर्टेंट है वो है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा जो लास्ट मैंने कुछ ईयर्स में देखा है वो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उससे रेलिवेंट चीज़ें ये क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है इससे आपके इस दफ़ा पेपर में बन रहे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, पेपर में हमने आउटलाइन कैसे बननी है। आउटलाइन में एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, जिस मैं अभी देख रहा था पीएमएस 2019 का, उसमें आया था सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ सीपैक। इसका मतलब 50% आपने आंसर सोशल इम्पैक्ट देना है, और 50% आंसर देना आपने इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और कुछ भी नहीं आपने लिखना। तो आपकी जो आउटलाइन है 1 पेज की सोशल और 1 पेज की इकोनॉमिक इम्पैक्ट और इंट्रो और कंक्लूजन। कुछ बच्चे कहते हैं हिस्ट्री लिखे, डेफिनेशन लिखे, वो भाई उसने नहीं पूछा, वो आपने बिल्कुल नहीं लिखना होता। दूसरी चीज़ होगी जी आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बच्चे मेरे पास आते हैं, डिफरेंट जगह से आते हैं, और वो बेचारे कंफ्यूज होते हैं कि यार पता नहीं कैसे लिखना, फलाने ने हमें ये किया, उसने ये किया, फलाना चैनल ये कह रहा है। तो इंट्रो के अंदर सिंपल से आपने फर्स्ट 2 सेंटेंस स्टार्टर लिखने हैं, उससे पहले कोटेशन से स्टार्ट करें। स्टार्टर का मतलब अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसमें आप कहते हैं देर आर मेनी प्रॉब्लम इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ देम इज़ पॉवर्टी। तो आप जनरल से पॉवर्टी की तरफ आ गए। नेक्स्ट 2 सेंटेंस होगा आपका थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो आउटलाइन है, फॉर एग्जांपल सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सी पैक है, तो 1 लाइन आपके सोशल इम्पैक्ट, जिसमें आपके जैसे हमारे इलिटरेसी खत्म होगी, 7 लाख जॉब्स होगी, और इतनी हमारी ये चीज़ें होगी। और इकोनॉमिक में आप बताएं जी, हमारी GDP 7% पर जाएगी, हमारी FDI इतने बिलियन आएगी, हमारी इम्पोर्ट, हमारी ट्रेड जो है वो हमारी इंक्रीज होगी। तो इसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, जो हमारी
आउटलाइन थी, एग्जैक्ट जो रिफ्लेक्शन होती है। फिर थर्ड क्यों पता है, रिसर्च रिपोर्ट जिस तरह इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, ये अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जी हमारी 7 लाख जॉब्स होगी, एक रिसर्च रिपोर्ट लिखें। और फोर्थ जो ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर चीज़ है, अपने थीसिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना। इसकी जो लेंथ होती है वो 1.25 पेज होती है, ठीक है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होता है हमारा। फॉर एग्जांपल सोशल इम्पैक्ट है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट लिख रहे हैं, सबसे पहले करें कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम आवर अनएम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद एक सपोर्टिंग का दे दें कि इससे हमारी इतनी जॉब्स होगी। फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दें और आखिर लाइन में इसको कंक्लूड कर दें। ये बॉडी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ जितने भी ऐसे के होंगे वो 8 to 12 sentences, 8 to 12 lines नहीं, 8 to 12 sentences होंगे। तो अक्सर बच्चे इसमें रिसर्च रिपोर्ट नहीं लिखते, और एग्जामिनर की जो रिपोर्ट भी है ये सी एस एस की, आप उठा कर देख लें 2016 की या 2018 की, वो यही बात बात कहता है कि बच्चे के उसके अंदर अपना रिसर्च रिपोर्ट बेस्ड चीज़ें नहीं है। उसके बाद आगे कंक्लूजन, कंक्लूजन हाफ पेज होता है, हाफ पेज से बड़ा बिल्कुल नहीं होता। इसमें क्या होना, सबसे पहले आप टू सम अप लिखे, कंक्लूडिंग लिखे, रिजल्टेंटली लिखे, कॉमा, उसके बाद फिर आप रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, और 2 से 3 लाइन जो आपके पूरे ऐसे को बेस्ट डिस्क्राइब करे। यहाँ पे अक्सर मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चे जब लिखते हैं तो वो टॉपिक भूल जाते हैं कि मेरा टॉपिक क्या था, करप्शन था, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो वो भूल ही जाते हैं, इन चीज़ों को वो देते ही नहीं है। तो इट रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट 2 से 3 लाइनों में जो बेस्ट उसको करे, वाइंड अप करे, और लास्ट के ऊपर जो लाइन है, वन होप्स वन विशेज वन प्रेज, और उसको बड़ा ही आप जो है ना पॉजिटिव एंड के ऊपर उसको कंक्लूड करें। तो ये हाफ पेज का आपका कंक्लूजन हो जाएगा। इसके अलावा पीएमएस के कुछ पास्ट पेपर्स हैं, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अभी 2019 में आया था, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स, ऑफ ऑल सोशल इवल्स। अब उसने कॉजेज पूछी हैं इवल्स की, तो उसमें सिंपल कॉजेज बताए, उसमें फैक्ट सोल्यूशन की तरफ बिल्कुल ना जाए। फिर इसमें 2019 में आया सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्या 1 पेज पे सोशल और 1 पेज पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सोशल है तो कम से कम 6 इम्पैक्ट, 5 से 6, और इकोनॉमिक है वो भी 5 से 6। अब पीएमएस चूंकि 2 आवर्स का होता है, तो इसमें आपकी जो ऐसे की टोटल लेंथ होनी चाहिए वो 8 to 10, फर्स्ट और बैक 2 पेज, फिर फर्स्ट बैक, फिर 3 and 4 pages। तो ये जो आपका इसमें हमारा जो है कंक्लूजन और ये वाली चीज़ें वो होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो पीएमएस में पास पेपर्स में आ चुके हैं इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट के सोल्यूशन क्या है, उसने सिंपल सोल्यूशन पूछे है, अब सोल्यूशन बताएं। अक्सर बच्चे ये कहते हैं जी हमने पढ़ा था या किसी से सुना था, हिस्ट्री लिखनी है, उसका इंपॉर्टेंस लिखनी है। वो भाई उसने हिस्ट्री नहीं पूछी। फिर कुछ बच्चे कहते हैं जी इसमें नेक होता है, वो नेक कोई इसमें नहीं डालनी है। फिर कुछ बच्चे कहते हैं जी इसमें हमने काउंटर काउंटर आर्गूमेंट नहीं होता। तो ये जितने भी मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली आर्गूमेंटेटिव, ये ऐसे बेसिकली होते हैं। तो अगर आप लोगों ने सी एस एस पी एम एस के लिए इंग्लिश करनी है मॉर्निंग इवनिंग के लिए ऑनलाइन, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 0333-466-9599। और मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से ही, जाहिद अशरफ से। और अगर आप लोगों को ये बुक्स वगैरह चाहिए होगी तो ये नंबर मेरे पास आपके पास आ गया ऑनलाइन, और इधर लाहौर के अंदर क्लासेस के लिए, तो आप रब्ता कर सकें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।